टे परिचय दिखा सर कौ माइंड सुरे आसला के सर कौ माइंड सुरे आसला किए परमिशन देला कहीं जाऊला आगुर टंका ये धरा है अथॉरिटी नुह मुझे नाम बोलो आपका नाम सर जो सीनियर स्टाफ और मेरे ट्रांसपोर्टर है उनसे बात ओ, अभी जो माल आप लिया कहाँ से लिया माल कहाँ से आएगा कौन सा माइन से आएगा कौन माइन से परमिशन दिया आपको इतना मेरे को मालूम नहीं है नहीं अभी जो लिया जो कंटेनर से जो आएगा अभी जो पिकअप से कोई माइन से आएगा वो कोई माइन से आपको परमिशन दिया पास नहीं है और ना सर हम इतने रखते हम ट्रांसपोर्टर के जरिए गाड़ी देते हैं कौन ट्रांसपोर्टर है ये आप टीसीआई को गाड़ी दे रखी जो टीसीआई के जो ट्रांसपोर्ट है ट्रांसपोर्ट कौन माइन से परमिशन दिया वो इतना मेरे को मालूम नहीं कहां से माल से आया इतना मेरे को मालूम होता तो मैं ड्राइवर नहीं होता सर मैं भी कोई काम करता हूँ सर आपका नाम बोलो संदीप कुमार ट्रांसपोर्ट का नाम क्या है टीसीआई एक्सप्रेस क्या डेस्टिनेशन है डेस्टिनेशन की मतलब जो आप जो माल ले आते जो कंटेनर से और जो पिकअप है वो माल कहाँ से आया था एक कस्टमर हमको देके जाता है सर हमको मालूम कौन से कस्टमर तेरा नाम क्या कस्टमर का नाम फिरोज भाई है अरे भाई ये कौन माइंस से आएगा ये मालूम नहीं है क्यों आपको जो कस्टमर आपको माल दिया वो तो माइंस का नाम नहीं ये हमको जीएसटी इनवॉइस पे बुकिंग करने करते नहीं वो जो कौन माइंस से माल आया था वो कौन माइंस को परमिशन भी दिया ये मालूम नहीं कहाँ से जाएगा वो माल गुजरात गुजरात कितने दिन हो जा रहा था कितना दिन हो गया अभी सेकंड टाइम जा रहा था अगला बार अभी आएगा अब एक बार अभी सेकंड टाइम जा रहा था एक बार पहले गया था अभी सेकंड टाइम वहाँ से वो व्यापार कितना दिन हो चलता अभी एक महीने से एक बार पहले गया एक अभी आया ये पुलिस आपको क्यों पकड़ा आपका कुछ कागज पत्र गलत है नहीं हमारा कागज पत्र पूरा है जो ट्रांसपोर्ट का होता है वो पूरा है माल क्या है सही में माल क्या है माल हम चेक नहीं करते हम इन वो पेपर देखते हैं आप मैनेजर है ना नहीं मैं मैनेजर नहीं अब क्या है मैं असिस्टेंट हूँ माल क्या जा रहा है आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हो मैं टीसीआई एक्सप्रेस में काम कर रहा हूँ तो कर रहे हो तो ये माल क्या जा रहा है आप उधर से थे आपको पुलिस वाले पकड़ के लेके आए हैं ना मैं इनवॉइस के ऊपर माल बुक करते हैं इनवॉइस दिया था उन्होंने परमिशन क्यों आपका कोई माइंस का माल तो आपको मालूम नहीं है कि वो माइंस का पेपर भी नहीं है क्यों माल है आपका ट्रांसपोर्ट पेपर होगा तो होगा नहीं हमको ये नहीं बताया कि माइन से माल आया जो जो आदमी आपको दिया कोई माइनिंग का परमिशन आपको दिया पेपर का हमको जीएसटी इनवॉइस देता है उसी पे माल बुक करते हैं और कुछ देगा नहीं और कुछ नहीं लेते हम जो आदमी आपको दिया है वो आदमी का उड़ीसा का है ना इधर का एक उड़ीसा का है एक गुजरात कौन है उड़ीसा का नाम क्या है उड़ीसा का नाम बाबुली है बाबुली है घर मालूम नहीं है हम घर नहीं बाबुली क्या है जैसे ये मालूम नहीं है मेरे को और उसका नाम और दूसरा नाम उसका फिरोज नाम है वो जो आप व्यापार जो भी कर दे अभी तो जो भी कोरापुट है कलाहंडी है तो डायरेक्ट गुजरात लेगा क्यों दानागंज से क्यों खड़ा कर रहा है हमको माल देके जाता है तो हम लोड करते हैं कहाँ से देके जाता है ये हमको मालूम नहीं है पिकअप कहाँ से था आपका गाड़ी का हमारा गाड़ी का मालूम नहीं है चोरी का है क्या नहीं हमको पेपर के ऊपर करते हैं तो आप जो वहाँ पे गाड़ी खड़े करे थे वहाँ पे तो कोई माइनिंग नहीं है हमको उधर लाके दिया हम उधर से लोड कर रहे थे कौन लेके दिया मतलब उसका नाम वो आपको भी पता नहीं नाम फिरोज ने लाके दिया फिरोज क्या खान क्या है मतलब ये मालूम नहीं है फिरोज का घर कहाँ है गुजरात में गुजरात है ठीक है सुभाष चंद्र बड़ सामंत मुँ जे आईनजीवी कौन गोटे पथर जो कटा हो बेआईन भाव में कटा हो चलाण होती संपूर्ण भाव में पुलिस आ प्रशासन दायी प्रथम प्रशासन दायी ये निज अंचल सेटा दानगदी ब्लॉक रे हो बा दानगदी तहसील अंचल रे हो बा सुकिंदा तहसील अंचल रे हो जो अंचल रे एमिति गोटे बेआईन कारबार होउची अथच सेठिकार तहसील प्रशासन केमिति जणा नै तहसील प्रशासन काहे कि एपर्यंत चढ़ऊ करनी से बेआईन खननटा को काहे कि चढ़ऊ करनी एवं जेतबेळे चोरा चालाण होउची चोरा चालाण बेले पुलिस कोन करूची एते बड़ जिनसटा होउची आपण माने जानि परचंती सांबादिक बंधु माने जानि परचंती गणमाध्यम जनाऊँच अथच पुलिस जापी एवं कौन पुलिस गोटे गाड़ी की आम तीन दिन है संवादपत्र पढ़ु जे एमती गोटे पुलिस गोटे गाड़ी की अटक रखी जदि अटक रखी तेतर त्वरित तदंत हवा दरकार आसामी को तुरंत कोर्ट फरवर्ड हवा दरकार आसामी को तुरंत कोर्ट फरवर्ड हो कि ना से आपने जानते मुझेपर आसामी को कहले तीन चारज आसामी को दीर्घ तीन दिन अतिवाहित कर पुलिस एपर्तंत कहीं कोर्ट चलाण करना कारण कौन रही कौन सी क्षेत्र में जदि पुलिस किसी गोटे प्राइम ऑफिस एविडेंस पाए
ପୁଲିସ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସାମୀକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବା କଥା। ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କୌଣସି କ୍ରାଇମ୍ଫେସ୍ କେସ୍ ନ ପାଇଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ଅଟକାଇବାର କୌଣସି ଆଇନର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। 3 ଦିନ ଅଟକାଇବାଟା ହେଉଛି ବେଆଇନ, ଏବଂ ଏଥିରୁ କ୍ଲିୟର କଟ ଆପଣଙ୍କ ଆପଣ ଯାହା ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ପବ୍ଲିକ ହିସାବରେ ସେୟା ବି ସନ୍ଦେହ କରି ସନ୍ଦେହଟା ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଉଛି। ଭୂତ ମୁଲଚାଲ ପାଇଁ ସେମାନେ ରଖିପାରିଥାନ୍ତି, ତାପରେ ପୋଲିସ ଫାଇନ୍ କହିବ ନା ଏମିତି କିଛି ମେଡ଼ ଆଉଟ୍ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି, ପ୍ରାଇମ୍ ଫାଇସ୍ କେସ୍ କିଛି ନାହିଁ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଇପାରେ। ଘଟଣା ସବୁ ହେଉଛି, ଏ ଘଟଣା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲାପାଳର ଯିଏ ହେଡ୍ ପ୍ରଶାସନିକ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସେ ଦାୟୀ, ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଭାଗର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଏସ୍ପି ସେ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ। ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି, ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି, ଏହା ଉପରେ ଗୋଟେ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଶ୍ରୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବେଆଇନ ଏଠି ଯାହା ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ପଥର ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ଯାହା କିଛି ବେଆଇନ ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ତୁରନ୍ତ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଚୟ ଦେଲେ। ଅକ୍ଷୟ ଧନ, କଳିଙ୍ଗ ବିକାଶ ମଞ୍ଚ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସୁକିନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଚୋରି ଜିନିଷ ଧରା ପଡ଼ୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇକି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ କହୁଛି ଏଇଟା GST ପେପର ଥିଲା, ଆମେ ସେଇପାଇଁ ତା'ର କିଛି ଏଇଟା ଗାର୍ଡ଼େନରେ ଲାଗିବ ବୋଲି ସେ ପଥରଟା ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଥିଲା, ତାକୁ ସେଇ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ କଥା ଉଠୁଛି, ଯଦି କୋରାପୁଟରୁ ମାଲ ଆସୁଛି, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ମାଲ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ତିର୍ଜଙ୍ଗା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ କାହିଁକି ରଖିକି ତାକୁ ଡିସପ୍ଲେ କରୁଛି, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଅଧିକି କାହିଁ ନେଉଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ GPS ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ତା'ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆମର ଯେଉଁଟା ଲିଜ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଖଣି ଯେଉଁ ମାଲ ଆସୁଛି ଏଇଟା ଲିଜ୍ ଜାରି ନା ନାହିଁ, ତା'ର ପ୍ରପର୍ଲି ପେପର ଅଛି ନା ନାହିଁ, ହେଲା, କେଉଁ ମାଲିକ ନା କିଏ, କେଉଁ ମାଲିକ କେଉଁଠିକି ଯିବା କଥା, ମାଲ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ମାଲ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, କେଉଁଠିକି ଯିବା କଥା, ପ୍ରପର୍ ଇନକ୍ୱାରି ନକରି ପୋଲିସ ଯଦି ଖାଲି GST ଦେଖାଇକି ବାହାନରେ ଛାଡ଼ିଦେଉଛି, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତାକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଆମ ସୁକିନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେତେ ନାନା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଅଛି ଆଜି ଲୁଟ୍ ହେବାର ବସିଲାଣି, ତା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ହାତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି, ତା'ର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ କଲେ ଏହା ପଦକୁ ଆସିବ। ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି କୋରାପୁଟରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ଯାଉଥିଲା ତାହେଲେ କୋରାପୁଟରୁ ଧାନବାଜି ତ୍ରିଜଙ୍ଗା କାହିଁକି ଆସିଲା, ତାକୁ କ'ଣ କହିବେ? ତାକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହାନବାଜି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଏଠିକି ଆସିବାର କିଛି କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ସେମାନେ GPSରୁ ଦେଖିପାରିବେ କେଉଁଠୁ କ'ଣ ନଧା ହେଇଛି, କେଉଁଠୁ କେଉଁ ମାଇନ୍ସରୁ ଆସିଛି, କେଉଁ ମାଇନ୍ସରୁ ଯିବା କଥା, କାହିଁକି ଏଠି ରହିଛି, ତା ନ ଜାଣିକି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାନବାଜି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସୁକିନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳର, ଟମକା ଅଞ୍ଚଳର ଅଛି, ସୁକିନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳର ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଆମରି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ଥାଇକି ଏଇଠୁ ମାଲ ଆସୁଛି, ଏଇଠୁ ଯୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ଆଜି ବାହାନବାଜି ଦେଖାଇକି ତାକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି।